उद्यम नगर नाम के एक शहर में एक बड़े व्यापारी रहते थे। उनकी पत्नी जब गर्भवती थी तभी उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर उनके सगे संबंधी और रिश्तेदारों ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। ऐसे में व्यापारी की पत्नी ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। उसने जैसे तैसे करके बड़े तकलीफों से बेटे का लालन पालन किया। जब बेटा बड़ा हो गया तो उसने बेटे से कहा, बेटा तू एक बनिए का लड़का है, व्यापार करना तेरा पुस्तैनी पेशा है। दुर्भाग्य से तू गरीब पैदा हुआ, इसलिए तेरे पास व्यापार करने के लिए पूंजी नहीं है। इस शहर में रमनलाल नाम के एक करोड़पति सेठ रहते हैं। वो गरीब बेरोजगारों की मदद करते हैं। तू उनके पास जा और व्यापार के लिए थोड़े पूंजी मांगकर कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर। माँ की सलाह मानकर वो लड़का रमन सेठ के पास गया। वहां पहुंच के देखा तो सेठ जी किसी को जोर जोर से डांट रहे थे। लड़के ने अंदर न जाते हुए दरवाजे के पास जाकर सुना, तुम में व्यापार करने का जरा भी हुनर नहीं है। कितनी बार मैंने तुम्हें धन दिया पर उसका फायदा उठाना तो दूर, तुमने तो सारा धन ही गवा दिया। घर के कोने में एक चूहा मरा पड़ा था। चूहे को देखकर रमन सेठ ने कहा, अगर आदमी अकलमंद हो तो मरे हुए चूहे को भी पूंजी मानकर लाखों कमा सकता है। दरवाजे के पास खड़ा वो लड़का सेठ की सारी बातें सुन रहा था। उसकी सेठ जी से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हुई। पास में पड़े उस मरे हुए चूहे को लेकर वो वहां से लौट आया। उस मरे चूहे को लेकर वो रास्ते पर चला जा रहा था कि तभी उसे एक दुकान के सामने बैठी एक बिल्ली दिखी। उसने मरे हुए चूहे को उस बिल्ली को खिला दिया। बिल्ली एक बड़े व्यापारी की थी जो उस दुकान का मालिक था। यह देख व्यापारी बहुत खुश होता है और उस लड़के को दो मुट्ठी चना देता है। चने को घर में लाकर लड़के ने चने को अच्छे से भूना। चने में नमक मिर्च मिला, उसमें नींबू निचोड़कर चने को बढ़िया छटपटा और स्वादिष्ट बनाया। साथ में ठंडे पानी का एक घड़ा लेकर शहर के बाहर एक छायादार पेड़ देख उसके नीचे बैठ गया। रस्ते में जो भी लोग आ जा रहे थे उनको ठंडा पानी पिलाता और साथ में चने भी खिलाता था। कड़ी धूप में पेड़ के नीचे बैठकर ठंडा ठंडा पानी पीकर और स्वादिष्ट चने खाकर यात्रियों को बहुत आनंद आता था। कुछ यात्रियों ने खुश होकर उस लड़के को कुछ पैसे भी दिए। उन पैसों से उसने और चने खरीद लिए और उन्हें बेचने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब चना बेचकर उसके पास कुछ पैसे आने लगे थे। अब वो पानी के साथ साथ ठंडा शरबत और कुल्फी भी बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद गर्मी का मौसम आया। ठंडा शरबत और स्वादिष्ट कुल्फी लोगों को खूब पसंद आ रही थी। व्यापार अच्छी तरह से चल पड़ा, खूब तरक्की हुई। कुछ ही दिनों में वो बड़ा व्यापारी बन गया। अब शहर के बाहर उसका एक बड़ा रेस्टोरेंट और होटल था। रहने के लिए आलीशान घर था। बनिए का वो गरीब लड़का अब करोड़पति बन चुका था। एक दिन सेठ रमन लाल अपने घर के बारामदे में बैठे हुए थे कि तभी उनसे मिलने एक युवक आया। ये वही बनिए का लड़का था। उसके हाथों में एक सोने से बना चूहा था। सोने के चूहे को सेठ जी के हाथ में देते हुए युवक ने अपनी आप बीती सेठ जी को सुनाई। उस युवक ने कहा, ये आपसे मिली वही पूंजी है जिससे मैंने बहुत धन अर्जित किया। आज सब कुछ सुध समेत लौटा रहा हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी मेहरबानी से है। रमन लाल को उस युवक की कहानी सुन बहुत खुशी और संतोष मिला। कुछ दिन बाद उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उस युवक से करवा दी और उस सोने की चूहे को उपहार स्वरूप नव विवाहित जोड़े को भेंट में दे दिया। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? आशा है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट्स कर बताएं। ऐसे ही मजेदार और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।